अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो आप काफी दिनों बाद अब आज हम मिल रहे हैं। एंड आई होप मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बाकी जितने भी बच्चे होंगे उन्होंने थोड़ी बहुत फिजिकल की रिवीजन की होगी। हमारे 11th क्लास हमारा फिजिकल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जो हम जिन टॉपिक्स पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे 11th की फिजिकल केमिस्ट्री वो वहां पे आपकी यूज करवा सकते हैं एडवांस लेवल पे। मेंस लेवल और नीट लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस लेवल पे या एम्स लेवल पे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के 12th 11th की फिजिकल केमिस्ट्री 12th में यूज की जा सकती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। हालांकि ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एक रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है हमें? वेपर प्रेशर। ठीक है, थर्ड हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर या रॉड्स लॉ भी आप बोल सकते हो, रॉड्स लॉ। ठीक है, फोर्थ हमें पढ़ना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। फिफ्थ हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पूरा चैप्टर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे घूमता है। और ये इसके चार पार्ट है, एक है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बायो वाले स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ चुके होंगे अपने बॉटनी वाले टॉपिक्स में। ठीक है, और लास्ट सिक्स्थ टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब इंपॉर्टेंट की बात क्या है, देखो जेई 2009 में ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में, जे जो भी बताऊंगा एडवांस में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब कब पूछा जा चुका है? डिफरेंस पे जो 2011 में, 2014 में, लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे आए थे। आरएलवीपी पे क्वेश्चन आया 2012 में और 2017 में आया हुआ है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे नहीं आया, लेकिन वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज करा देता है। और रॉड्स लॉ का 2018 में आया हुआ है, वेपर प्रेशर के ऊपर 2016 और 2008, ये जेईई एडवांस इतने बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना हद तक इम्पोर्टेंट है। नीट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फिक्स एक क्वेश्चन रहता है, 110% आप एवरी ईयर के पेपर उठा के देख लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दौर बात ये थी कि हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, बट बिफोर सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी सिखाना चाहूंगा। वो टर्मिनोलॉजी ये है, पहला है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा है हेट्रोजीनियस। समझो बात को। अब भैया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है? होमोजीनियस सिंगल फेज सिस्टम को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मतलब मोर देन वन फेज सिस्टम, मोर देन वन फेज सिस्टम। फेज मतलब क्या? अगर आप किसी चीज को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? फेज। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझना तो ऐसा समझाओ, अगर आपने दूध में पानी मिलाया तो क्या आप उनको सेपरेट कर सकते? इट इज प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर। आप खुद भी जानते हो, अगर आप अगर मिल्क और वाटर को सेपरेट कर सकते थे तो दूध वाले की तो चोरी पहले से पकड़ी जाती, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्योर मिल्क तो कोई नहीं बेचता, अमूल अमूल वगैरह को छोड़ दो तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? होमोजीनियस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, इसको मैं उल्टा ही कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये मेरे लिए हो गया होमोजीनियस, ये हो गया मेरे लिए होमोजीनियस, और ये मेरे लिए हो गया हेट्रोजीनियस, उल्टा लिख देता, माय मिस्टेक। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब मोर देन वन सिस्टम और होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज सिस्टम। तो गौरतलब की बात यह है कि फेज मतलब क्या? जैसे ऑयल और वाटर आपने मिक्स किया,
किया, ऑयल वाटर मिक्स करने पर ऑब्वियस सी बात आप उनको देख सकते हो, आप उनको सेपरेट भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल आप दोनों चीज को सेपरेट कर सकते हो। तो वो मेरे लिए क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, वो क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो ऐसे सिस्टम में जहां पे किसी चीज को मिक्स करने के ऊपर या मिक्स करने के बाद अगर वो एक ही सिंगल क्वांटिटी है, मतलब सिंगल फेज आपको दिख रहा है, मतलब इसके अलावा कोई और दूसरा दिख नहीं रहा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस मतलब अगर एक से ज्यादा, मतलब ऑयल और वाटर ऑब्वियस सी बात है अलग अलग कंपोनेंट आप उनको अलग कर सकते हो, तो जो सब्सटेंस अलग हो जाता है मतलब वो इट विल एक्ट एज अ फेज ओनली, दैट्स द मीनिंग ऑफ फेज एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। So let us continue our topic with the solution, no doubt. So what is the solution? So I should write it normally. देखो क्या होता है, solution का definition क्या होता है, बहुत तरीके से हम define कर सकते हैं, but जो normal तरीका जो क्या होता है कि भैया जो हमें syllabus में आ रहा है कि solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which individual component will lose their identity and cannot be separated in pure form or by simple method. Simple सी बात है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जैसे सपोज करो आपने एक बॉटल पानी का लिया, ठीक है, सिर्फ एक बॉटल पानी लिया तो वो इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट ओनली बट इट विल नॉट विल बी अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा, और जब तक आप कोई चीज ऐड नहीं करोगे तब तक वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन में जब आपने कोई चीज डाला तो उसको मिक्स किया तो वो एक वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। मतलब हो सकता है आप नमक भी डाल दो, चीनी भी डाल दो, नींबू डाल दो, वो भी एक सॉल्यूशन ही है। मतलब कम से कम दो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी आप दो से तीन चार पांच जितने मन आप उतनी वैरायटी डाल सकते हो, तो दैट इज द कंपोनेंट, ठीक है। और बेसिकली जैसे नमक और पानी को जब आप मिक्स करते हो तो क्या होता है, नमक पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या नमक को आप नेकेड आई से देख सकते हो, नॉट पॉसिबल, देख ही नहीं सकते हम नमक को, तो वो एक्चुअली क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन उसी वाटर में अगर मैंने क्या डाला, सैंड डाला, उसी वाटर में मैंने क्या डाला, सैंड डाला, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो आपका होता है सस्पेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन। हालांकि ये चीजें मैं डिटेल में आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि जो अगर नेकेड आई से अगर आप किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद, तो दैट इज योर ट्रू सॉल्यूशन। और किसी चीज को आप देख सकते हो आफ्टर मिक्सिंग, तो दैट इज योर सस्पेंस, दैट विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस दोनों चीजों में याद रखिएगा आप, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture, solution is a homogeneous mixture of two or more component of two or more component in which individual component will lose their physical identity and cannot be separated by simple and cannot be separated by a simple method, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, solution बोलते हैं। तो basically क्या होता है, solution में दो part होता है, एक part होता है मेरा solute और एक part होता है मेरा solvent। देखो general definition में ये जो होता है कि जो lesser amount में होता है the substance present in lesser amount, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, इट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट। और अगर मैं बोलूं द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली हमेशा पॉसिबल है, ये डिफाइन डेफिनेशन सॉल्यूट के लिए खुद से सोच के देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे।
अगर जैसे सपोज करो मैंने बोला, मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखो मैंने 11th में आपको ये सब टॉपिक पढ़ा है, तो मैं ये सब मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक्स तो हर चीज में आती है। 40% इथेनॉल है, 40% इथेनॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि 40% इथेनॉल में 40, चलो लेट्स सेफ इथेनॉल मतलब बी बाई बी ही मान के चलो मैं, तो 40 ml मेरे लिए क्या होगा इथेनॉल होगा और 60 ml मेरे लिए क्या होगा वाटर। तो अब अगर यहाँ पे मैं सॉल्यूट की बात करूँ तो अगेन सॉल्यूट तो मेरे लिए क्या है भैया इथेनॉल, तो कम अमाउंट में तो यही है। अगर मैं बोलूं 60% लेट्स से इथेनॉल, 60% इथेनॉल, अगर 60% इथेनॉल है तो अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, अब सॉल्यूट आपका हो जाएगा मेरे लिए लेसर क्वांटिटी में कौन सा है वाटर है, मतलब दो बात है यहाँ पे 40% इथेनॉल है मतलब वाटर में आपने इथेनॉल मिलाया, बातें अलग अलग है। 40% इथेनॉल में दो बातें समझिएगा कि 40% इथेनॉल का मतलब है कि पानी में आपने इथेनॉल मिलाया, यहाँ पे क्या होगा कि इथेनॉल में आपने पानी मिलाया, दो अलग अलग बातें होंगी। जैसे दूध में पानी मिलाना और पानी में दूध मिलाना, तो ऑब्वियस बात दूध में पानी मिलाना मतलब दूध ज्यादा क्वांटिटी में था पानी कम क्वांटिटी में था, पानी में दूध मिलाने का मतलब क्या होगा पानी ज्यादा हो जाएगा दूध कम हो जाएगा, तो यहां से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे वो चीजें है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 50% इथेनॉल की, लेट्स से 50% इथेनॉल, तब सॉल्यूट कोई भी किसी को भी ले सकते हो, एनी वाटर मानो या इथेनॉल मानो, तो क्या ये हमेशा डेफिनेशन वैलिड होगा, मतलब सॉल्यूट का ये जो डेफिनेशन है ये क्या हमेशा करेक्ट होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली आपको मैंने हमेशा बताया है कि जैसे आपको डेफिनेशन में पता है कि इन विच वन कंपोनेंट विल लूज देयर फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब सॉल्यूट आपके लिए वो होगा, वो सब्सटेंस होगा जो अपनी एक्चुअल फिजिकल आइडेंटिटी लूज कर रहा है, और फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल आइडेंटिटी वो हमेशा सॉल्वेंट की होगी, जो सॉल्वेंट की जो फिजिकल आइडेंटिटी होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल आइडेंटिटी होगी। इसका मतलब ये होगा सॉल्यूट पहचाने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूट पहचाने का तरीका सिंपल सा ये है कि सॉल्यूट अपना हमेशा फिजिकल आइडेंटिटी लूज करता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहां से तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है वो हमारा आता है कंसंट्रेशन टर्म, क्या आता है कंसंट्रेशन टर्म, इसको यहां से करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म मतलब बेटा सिंपल से बात समझ, कंसंट्रेशन टर्म आपको याद होगा 11th में भी मैंने आपको सिखाया बट स्टिल मैं, कि जैसे सपोज करो आपने पानी के अंदर नमक मिलाया, पानी के अंदर आपने क्या किया नमक मिलाया, अब वो नमक कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलता है कंसंट्रेशन टर्म से। इसका मतलब ये होगा कि जहां पे भी कंसंट्रेशन टर्म आएगा इट मींस वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट, मतलब कंसंट्रेशन टर्म ही डिफाइन होता है सॉल्यूट सॉल्यूट के लिए, कि आपको ये पता चलता है कि आखिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। अब तरीका अलग अलग होता है भैया, कोई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है, कोई वी बाई वी से। बेस्ट एग्जांपल आपको नहीं समझ में आता तो ऐसा समझो अभी आप जो हैंड वॉश, अभी जो हम मेनली तो हम हैंड वॉश यूज करते हैं या फिर आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो सैनिटाइजर में आपने देखा होगा कि WHO ने जो रिकमेंडेशन दिया वो 70% इथेनॉल, वो 70% इथेनॉल का मतलब क्या है वो 70 ml कम से कम होना चाहिए, इथेनॉल है इसका मतलब इथेनॉल सॉल्यूट क्वांटिटी मतलब सॉलिड तो नहीं है, इथेनॉल एक लिक्विड है, तो लिक्विड को आप हमेशा मास से रिप्रेजेंट नहीं करते, लिक्विड को आप हमेशा वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए वहां पे 70% वी बाई वी इथेनॉल लिखा रहता है, कभी भी आप गौर से देखना। तो वही कंसंट्रेशन टर्म है, इसका मतलब आपके लिए वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन सा आपके लिए इथेनॉल है, तो यहाँ तक चीजें आपको थोड़ी बहुत आइडिया लग गई होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम क्या करते हैं, मेरा तरीका तो ये है कि भैया मैं दो ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, तो पहला होता है मेरा ग्रुप ए, ग्रुप ए, और दूसरा है मेरा ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए मेरा वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ग्रुप ए मेरा क्या है वॉल्यूम डिपेंडेंट, ग्रुप ए मेरा कौन सा क्वांटिटी है वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म है। ग्रुप बी है मेरा मास डिपेंडेंट, क्या है मेरा मास डिपेंडेंट, ग्रुप बी है मेरा मास डिपेंडेंट। तो यहां तक पहले बच्चों आपको समझ में आ रहा हूं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वॉल्यूम डिपेंडेंट मास डिपेंडेंट, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा समझाइए कि अगर मैं जो टेम्परेचर का इफेक्ट डालूंगा, जैसे सपोज करो ये बॉटल तो नहीं है बट ऐसे इमेजिन करो कि बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल है, इसमें से मैंने पानी पी लिया, तो पानी पी लिया मैंने, मान लो यहाँ का एसी चल रहा, मान लो मैंने एसी 60 डिग्री पर टेम्परेचर कर दिया, तो क्या इस पानी के अंदर जो मास मतलब सॉरी इस बॉटल के अंदर जो पानी होगा और उसका जो मास होगा क्या वो चेंज करेगा, ऑब्वियस बात है नहीं चेंज, हाँ लेकिन वॉल्यूम चेंज करेगा, उसका टेम्परेचर से वॉल्यूम जरूर चेंज होगा,
तो ये बात एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो होगा, जो भी मेरा ग्रुप बी का कंसंट्रेशन टर्म होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा ये, ठीक है। और ये जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। बेटा बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, तो प्लीज बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी हम पकड़ेंगे। अब देखो, कोई भी कंसंट्रेशन जो टर्म होता है ना, वो एक्चुअल में एक रेशियो डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? रेशियो। रेशियो में ऊपर हमेशा क्या आता है? सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट आता है। क्या आता है? सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म मतलब क्या? अरे भैया परसेंटेज आप निकालते हो। जैसे मैंने बोला आपका भैया मैथ्स में सपोज करो 75 है, तो आपका एक्चुअल में मैथ्स का परसेंटेज कितना है? आपने 75 ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स आपके 100 थे, तो आपने उसे डिवाइड किया। तो वही कंसंट्रेशन टर्म का मतलब आपको तो निकालना सॉल्यूट के लिए। तो किसी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म क्या डिनोट करता है? एक रेशियो डिनोट करता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का। बस एक टर्म ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन आता है। अब आपको देखो बहुत आसानी से आप खुद ही समझ जाओ, दो मिनट बस मुझे दो। पहला टर्म यहाँ पे आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग करते हैं परसेंटेज वी बाय वी। सेकेंड मेरा टर्मिनोलॉजी होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। तीसरा अगर मैं बोलूं, तीसरा आता है मेरा मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये सब और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही मोलारिटी है। चौथा है मेरा क्या है? नॉर्मलिटी, जो हम पहले ही मोल कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ चुके हैं, कैपिटल एम ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। नाउ फर्स्ट इसमें जो आता है परसेंटेज मास, परसेंटेज मास बाय मास, सॉरी परसेंटेज बाय मास बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ठीक है। सेकंड क्वांटिटी आता है मेरा मोल फ्रैक्शन। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। थर्ड क्वांटिटी जो मेरा आता है वो आता है मोलैलिटी। क्या आता है? मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज योर पार्ट्स पर मिलियन। क्या आता है? पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ppm लिखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड देखते हो ना आप, ये जो टूथपेस्ट में रहता है वो ppm के फॉर्म में ही रहता है। तो ये दोनों वाला पार्ट जो है बेटा, हम ऑलरेडी किसमें डिस्कस कर चुके हैं? मोल कॉन्सेप्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए मोलैलिटी और मोलैलिटी ही रहता है। अगर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट इसके ऊपर कभी नहीं आएगा। ग्रुप ए देगा, ग्रुप बी पूछेगा, ग्रुप ए का टर्म देगा, बोलेगा भैया परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे दिया, बोलेगा भैया वॉलिटी निकालो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, बोलो मोल फ्रैक्शन निकालो। तो आपको ग्रुप ए का भी टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ग्रुप बी का भी। और ग्रुप ए से ग्रुप बी को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? डेंसिटी पता होना चाहिए, तभी तो देखो मास और वॉल्यूम को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, विदाउट डेंसिटी इज नॉट पॉसिबल। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं समझ के चल रहा हूं, ठीक है। Now, what I mean to say that, अभी मैंने आपको क्या बोला? Concentration term का देखो, अगर आप यही सीख जाओगे, tension मत लो, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। Ratio होता है, ratio मतलब solute upon solution। तो यहाँ पे percentage volume by volume, मतलब ऊपर किसका आया? Volume of solute, नीचे किसका आया? Volume of solution। Weight by volume मतलब ऊपर किसका? Weight of solute, नीचे किसका? Volume of solution। इसमें molarity मतलब क्या हुआ? Moles per moles of solute divided by volume of solution। नॉर्मलिटी जाने दो, अभी अपने काम का नहीं है। परसेंटेज बाय मास मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन, तो आपको मैं डिफरेंट थ्योरम बताऊंगा, बाकी ये भी कुछ नहीं होता, मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यही एक टर्म है जिसमें सॉल्वेंट आता, बाकी किसी टर्मिनोलॉजी में आप देख रहे होंगे सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्यूशन आता, ठीक है। तो यहां तक पहले बच्चों सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से, एक एक टॉपिक को, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझते हुए अच्छे से। और एक बात और, आज से क्योंकि आपको फिजिकल चालू हो रहा है, तो आपको एक आदत ये डालनी है, आपको सिर्फ लेक्चर देखना और उतारते नहीं रहना। जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा तो वीडियो पॉज करिए, कम से कम 5 मिनट्स दीजिए। अगर हार्ड क्वेश्चन है तो 5 मिनट,
5 मिनट्स और इजी क्वेश्चन है तो 1 से 2 मिनट्स में आपके होने चाहिए। तो ये आदत आपको डालनी है, डायरेक्ट आपको उतारना नहीं, इससे क्या होगा आप सीख नहीं पाओगे फिर आपको, क्योंकि नॉर्मल क्लास जैसे अगर आपको फीलिंग चाहिए तो आप पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो ये आदत आपको डालनी है इसी तरीके से वीडियो लेक्चर के लिए मेरे, ठीक है। यहाँ तक चीज आपको समझ में आ रही हूँ बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, हम एक एक चीज को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नाउ पहला आता है मेरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसे को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज वी बाय वी। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, परसेंटेज वी बाय वी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, जल्दी बोलिए, सॉल्यूशन, वेरी गुड, इनटू 100, वही टोटल वॉल्यूम में, सो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना, वही मेरा परसेंटेज वी बाय वी। मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं वी ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है परसेंटेज वी बाय वी इनटू 100। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो वेयर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नेचर का होता है, तो हमेशा मास और वॉल्यूम हमेशा एडिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये आपको मैंने बहुत बार क्लास में बताया हुआ भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन Added in 250 ml of water, 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of, ठीक है। आपका काम यह पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही आप कुछ चीज करिएगा, ठीक है। देखो जनरली बच्चा क्या करता है, 80% देखता है डायरेक्ट सॉल्यूट कर इमेजिन कर लेता, बट यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये मैंने सॉल्वेंट कर दिया हुआ, अगर 80% वॉल्यूम सॉल्वेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मैं सब बताते 20%, मैं टोटल परसेंटेज का मतलब जहां 100, परसेंटेज का मतलब टोटल मीनिंग आपको क्या मान के चलना 100 है। अब 100 में 80 आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियस बच्चा कुछ सॉल्यूशन के देखो दो ही पार्ट है, या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट होगा। अब भैया मैंने ऐसा बोला, आप लोग दो भाई है, आप दो भाई में जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दो भाई है भैया, आपके पापा ने 100 रुपए दिए, ठीक है। हो सकता है कि पापा ऐसे कर सकते हैं 100 में जिसको ज्यादा मानते हो उसको 70 रुपए दे देंगे, आपको कम मानते हो तो आपको 30 रुपए देंगे। तो 100 के दो ही तो पार्ट हो सकते हैं, या तो 50-50 जाएगा, तो 70-30 जाएगा, तो 60-40 जाएगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो वही चीज है, किसी वॉल्यूम बाय टोटल परसेंटेज मतलब ये हुआ कि मान लो इसका एक और मीनिंग ऐसे समझाता हूं कि मैंने बोला भैया 25% वी बाय वी अल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये हुआ कि 25 ml प्रेजेंट है अल्कोहलिक KOH कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, इसलिए रेशियो देखो, रेशियो क्या है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का रेशियो, यहां तक अगर बच्चा आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब 20% सॉल्वेंट का इसका मतलब है, सॉरी 80% सॉल्वेंट का, तो 20 v / v आपको कितना पता है, v / v 20 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है, निकालना है क्योंकि वही तो पूछा, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर, मतलब यही तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का उसने वॉल्यूम कितना दिया 250 + v * 100, तो दिस 5 टाइम्स चला जाएगा, तो v + 250 इज इक्वल टू क्या 5v, तो ये हो जाएगा 4v बराबर क्या हो जाएगा 250, तो v बराबर हो जाएगा 250/4, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 62.5। तो यहां से मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाला। तो यहां तक चीज आपको बड़े समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मेरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मतलब परसेंटेज W बाय V, ठीक है। तो
यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का सेम सिंपल सा बात है, आपको डायरेक्ट ये समझना है परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी का मतलब हो गया। बोलो जल्दी बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा मेरा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा मीनिंग है इसका, तो कोई बहुत ज्यादा झंझट ही नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला कि मान लो एक्स परसेंट कुछ भी चीज है, एक्स परसेंट मान लो एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई वी दिया हुआ आपको, इसका मतलब ये होगी एक्स ग्राम प्रेजेंट है, एक्स ग्राम प्रेजेंट है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में। लेट सपोज करो मैंने बोला x परसेंट w by v का मतलब क्या हुआ, x परसेंट w by v का मतलब ये हुआ कि x ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, x ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आप लोग से यहां से चीज आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो ऐसे मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि n एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 30% डब्ल्यू बाय वी ऑफ यूरिया, ये है। और मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चा बोलेगा सर 70, राइट, मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या बोलेगा 70, क्या ये सही है, क्या ये सही है। देखो एक्चुअली में क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट कितना है, 30 ग्राम यूरिया। 100 ml सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट, 30 ग्राम यूरिया, ध्यान से समझना बिल्कुल। क्या आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, गलत है, अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा गलत है। क्यों, देखो फिजिक्स में आप जानते हो कि हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिर्फ सेम यूनिट वाले को कर सकते हैं, यहां ग्राम और यहां ml तो पॉसिबल नहीं, तो दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। Without knowing density, let's say suppose कि अगर मैंने density 1.2 gram per ml दिया, तो mass of solution कितना आएगा? 1 density into volume, मतलब into 100, मतलब 120 gram, तो mass of solvent कितना आ जाएगा? 120 minus 30, that's 90 gram। तो ये सब छोटी-छोटी बातें, हालांकि अगर आता होगा तो वैलिड होगा बेटा, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नहीं आता मान लो छोटी-छोटी बातें हो सकता है रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने छोटे-छोटे से आपको करा दी कि ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा टर्मिनोलॉजी हमारा आता है मोलारिटी, क्या आता है मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलारिटी का मतलब क्या होता है समझो बात, मोलारिटी का मतलब होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने सपोज करो एक टंकी ली, लेट्स से 50 लीटर की टंकी ली मैंने, उसमें मैंने सपोज करो एक अमोनिया का सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया उसमें। अब मान लो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो मैंने मोलैरिटी में निकाला वो मैंने निकाला 5 मोलर, कितना निकाला 5 मोलर। अरे भैया आपने सॉल्यूशन 50 लीटर में प्रिपेयर किया, सही बात है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, आप जो भी निकालो। लेकिन अगर मैं बोलूं इस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी निकालनी है, आपको वॉल्यूम कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 लीटर, सिंपल सा बात है। तो भैया जितने मोल्स उसमें मैंने ऐड किए होंगे उसमें सिर्फ 1 लीटर से डिवाइड कर दो कि भैया पर लीटर में 1 मोल में पर लीटर में कितना एक्चुअल प्रेजेंट है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा मोलैरिटी। कि आपको मतलब कितने से, 50 लीटर दे 100 लीटर दे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब सिर्फ 1 लीटर से कि एक्चुअल में 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हो गए, तो मुझे वो चेक करना है कि भैया 50 लीटर में मान लो मैंने 100 मोल्स डाले तो 1 लीटर में कितना मोल्स होगा, 2 मोल्स, तो 2 मोलैरिटी हो जाएगी आपकी, दैट्स इट। क्योंकि मतलब आपको कितने से भैया 50 लीटर में 100 मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 100/50, दैट्स नथिंग बट 2। तो मतलब मुझे हमेशा कितने से रखना है, 1 लीटर, भैया 1 लीटर में कितना निकल रहा है वही मेरे लिए काम का है। क्योंकि देखो जनरली लैब में ऐसा पता है सिंटेक्स की टंकियां रहती है, उतने टंकी का सॉल्यूशन आपको नहीं, आपने देखो छोटे-छोटे बॉटल्स रहते हैं, राइट, तो उसी बॉटल्स के हम क्योंकि ml, क्योंकि मेन काम हमारा ml में ही होता है, तो हमारा मेजर काम सारा ml में ही रहता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मोलैरिटी को मैं क्या से लिख सकता हूं, मोलैरिटी को लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू, क्योंकि यहां अगर बी वॉल्यूम एमएल में है तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बी एमएल को लीटर में डिवाइड करते हैं, आपको मोलरिटी हमेशा लीटर में ही निकालनी है, याद रखना। तो अगर एमएल में तो उसको 1000 से डिवाइड करके मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 1000 अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला बनता है मोलरिटी का। यहां तक चीज आपको समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, समझने के लिए। क्वेश्चन 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्वड इन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्वड इन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्वड इन सफिशिएंट वाटर, इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस अ 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, टू प्रोड्यूस अ 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन पहला जो आपका है मैंने पूछा है मोलैरिटी, सेकंड जो मैंने पूछा है वो है आपका परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। तो ये दो चीज आपको निकालनी है। तो सिंपल सा बात है, 30 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, तो सिंपल सा मोल्स ऑफ यूरिया निकालना, मोल्स ऑफ यूरिया मतलब 30 बाय, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO, तो 30 बाय 60 तो दैट्स समथिंग बट 0.5। वॉल्यूम आपको कितना दिया, 2 लीटर दिया, तो मोलैरिटी मेरे कितनी आ जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट्स समथिंग बट 1/4 मेरे लिए क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी का मतलब ये हुआ, अब देखो यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, ऊपर तो 30 लोगे नो डाउट, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम नो प्रॉब्लम, लेकिन वॉल्यूम आपको हमेशा एमएल में लेना है, क्योंकि डब्ल्यू बाय वी मेरा किसके लिए होता था कि भैया एक्स ग्राम 100 एमएल में प्रेजेंट है, तो आपको ये जो लीटर है ना उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में लिया जाता है, एमएल में लिया जाता है, ठीक है, याद है। 100 पास अगर नहीं दिया जाता तो हम 100 एमएल मानते, बट यहां से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जब भी परसेंटेज डब्ल्यू वाई बी की बात होगी इसका मतलब वॉल्यूम हमेशा आपको किस में रखना पड़ेगा, एमएल में। दिस कैंसिल, मतलब कितना, 1.5% डब्ल्यू बाय। तो यहां तक चीज चीज आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा, ये हमारा ग्रुप ए खत्म हो चुका है, यहां से हमारा ग्रुप ए खत्म, तो लेट्स मूव ऑन ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप बी पहला है आपका परसेंटेज बाय मास को मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल सा, ये भी अगेन रेशियो होगा, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये लिख सकता हूं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां तक पहले बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन सिंपल से, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। अगर मैंने बोला सपोज करो कि 40% ये है आपके पास यूरिया है, परसेंटेज बाय मास लेकर 40% बाय मास यूरिया आपके पास पड़े, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि 40 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 40 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहां तक चीज आपको समझ में आए, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्वड इन, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्वड इन 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर एमएल,
1.5 ग्राम पर एमएल, 1.5 ग्राम पर एमएल, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट पहला परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, सेकंड उसने बोला परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, एंड थर्ड वन इज मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है। थर्ड वन आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ खराब कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्वड इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो पहली चीज तो मेरे यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी। तो लेट्स से मोलारिटी मेरी क्या है, 5 मोल ग्लूकोज का दिया, 2 लीटर वाटर दिया, मतलब 2.5 मेरे लिए क्या हो गया, मोलारिटी हो गई। 2.5 क्या हो गया, मोलारिटी। इसको मैं मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर इसका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है, 2.5 मोल्स पर लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या बोला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो परसेंटेज बाय मास। तो लेट्स से मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा आपका 5 × 180, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है, तो ये क्या हो जाएगा 900 ग्राम, कितना हो जाएगा 900 ग्राम। नाउ अनदर थिंग क्या बोल रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो पहला सेकंड चीज आ जाएगा मेरा वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। तो 900 ग्राम मेरा क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वेरी गुड, 2000, कितना 2000 into 100, this cancel, so that's nothing but 90 by 2, so that's nothing but 45%, that is nothing but W by V, 45% W by V is present. Now, अगर मैं बात करूं, अब देखो आपको क्या चाहिए, W by W निकालना, तो W by W निकालने के लिए आपको mass of the solution चाहिए, लेकिन mass of the solute पता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या। देखो अब किसी बच्चों को ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर उसने तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप कैसे डिनोट करोगे। जब तक कुछ ना दिया जाए तब तक यही माना सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही क्या हो जाएगा, लास्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। प्रैक्टिकली समझो कि सपोज करो, मान लो ये तो खैर बहुत छोटा है, कोई चीज मान लो, जैसे इसी को मैं मान चला, इसको 2 लीटर वाटर में, इसमें मैंने अगर 100 ग्राम नमक मिला भी दिया तो क्या इसके वॉल्यूम में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, प्रैक्टिकली नॉट, प्रैक्टिकली इसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए, अगर मैंने जो ऐड किया है और उसको वॉल्यूम दिया है, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट पे सॉल्यूट जब ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट को वॉल्यूम दिया हुआ है, तब इस केस में वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ना दिया जाए तब तक कोई भी चेंजेस नहीं करना, अपने मन से मत मान लेना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी मेरा दिया हुआ है, तो कदम बात परसेंटेज, लेट्स से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी मुझे कितना दिया हुआ 1.2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2000, तो दिस और दिस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2400। मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन पता ही है, ठीक है। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू हो जाएगा मेरा 900 डिवाइडेड बाय 2400 इनटू 100, दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 12, 18, 20, 28, तो ये हिसाब से जो आंसर आना चाहिए मेरा, कुछ गड़बड़ किया शायद मैंने, 2400 मेरा आया मास ऑफ द सॉल्यूशन, 1.2, ठीक है, 1.2 दिया डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर एमएल है, सॉरी 1.5 पर माइनस किया, मैं वही सोचूं इतना गड़बड़ी क्यों हो रहा है, 1.5 सॉरी सॉरी माइनस
स्टिक 1.5 लिया है और वॉल्यूम है 2000, तो ये हो जाएगा मेरा दिस कैंसिल, तो 3000 मेरा क्या हो जाएगा मास। तो दैट सिंपल द परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दैट्स ओके, बट 900 डिवाइडेड बाय 3000 इनटू 100 दिस कैंसिल तो दैट्स समथिंग बट 30%। अब यहां से एक और चीज है, अगर आपको डेंसिटी पता है तो मैंने क्या बोला, एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन तक हम जान सकते हैं। तो परसेंटेज w / v को मैं कैसे लिख सकता हूं, परसेंटेज w / v के लिख सकता हूं परसेंटेज w / w इनटू डेंसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। परसेंटेज w / v से आप एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैरिटी 10 इनटू परसेंटेज w / v डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी एक स्पेशल फार्मूला है। और परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर w / v दिया हो तो ऐसे परसेंटेज w / w इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तीन स्पेशल फार्मूला मैं माय रिकमेंडेशन याद रखिए ताकि आपको नहीं कोई परेशानी हो, लेकिन बेसिक चीजें हमेशा कवर कर लीजिए बेटा, मैं तो ये आपको बोलूंगा बेसिक चीजें आपको हमेशा कवर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स अगेन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे मेरा कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है, तो मोलैरिटी हो चुकी है, परसेंटेज बाय मास हो चुका है, उनका रिलेशन भी हमने देख लिया, मोलैरिटी का w / w से क्या रिलेशन है, w / v से क्या रिलेशन है, w / w और w / v का रिलेशन क्या होता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हमारी आती है इसमें ग्रुप 2 में मोल फ्रैक्शन, क्या आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मेरा यूनिट होता है काई। फ्रैक्शन मतलब क्या, जो चीज 1 से छोटी हो, मतलब 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करती हो, तो सिंपल सा कुछ नहीं होता, इसका डेफिनेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कहने का मतलब किसी का भी मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि उस सब्सटेंस का मोल्स ले लो और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दो, उस सब्सटेंस को डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दोगे तो आप उसका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मतलब जैसे ये हुआ कि सॉल्यूशन अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, तो सॉल्यूशन की दो क्वांटिटी है, एक कंपोनेंट हो जाएगा सॉलिड और एक कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्वेंट। तो लेट्स से अगर मैं सॉल्वेंट का कंपोनेंट डिफाइन करूं, क्या है सॉल्वेंट का कैसे डिफाइन करेंगे और सॉल्यूट का कैसे डिफाइन करेंगे, तो दो बातें, कुछ मत करो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दो और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब टोटल मोल्स कितने होंगे सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, यही तो टोटल मोल्स है सॉल्यूशन के, और इसमें भी कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जब आप इन दोनों का ऐड करोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट्स नथिंग बट दोनों को ऐड करने पर आपको हमेशा रिजल्ट कंप्लीट कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। इसका मतलब समेशन ऑफ xi इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखो हो सकता है सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो, बट सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। सॉल्यूट आप भले कुछ भी ऐड कर सकते हो, नींबू पानी का ग्लास एग्जांपल, पानी तो एक ही रहता है ना भैया, ऐसा थोड़ी ना पानी अलग अलग वैरायटी का रहता है, नींबू पानी बनाने के लिए पानी एक रहेगा, नींबू डालो चीनी डालो नमक डालो जीरा डालो व्हाटएवर, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो आप नंबर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं बट सॉल्वेंट आपका हमेशा क्या रहेगा 1। और एक बात और, कभी भी x की वैल्यू क्या रहती है 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी, कभी इक्वल नहीं दे सकते, क्यों, अगर x इक्वल टू 0 का मतलब यह होगा कि सब्सटेंस इज एब्सेंट, सब्सटेंस इज एब्सेंट, और x इक्वल टू 1 का मतलब रहेगा सब्सटेंस इज, तो यहां तक चीज आपको आई होप समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर एक बेटर, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्वड इन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्वड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर फुल स्टॉप, determine first one percentage w by blue, second हो जाएगा आपका mole fraction of urea and water, mole fraction of urea and
वाटर ठीक है. नाउ लेट्स डू इट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर बोला तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकाल कर खत्म करते हैं. तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मेरे लिए क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये सॉल्यूट है क्योंकि लेसर अमाउंट में, तो 30 आप ऊपर लिखोगे नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 30 प्लस 45 तो दैट्स नथिंग बट 75 इनटू 100 तो ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स तो दैट्स नथिंग बट 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है यूरिया प्रेजेंट ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ तो यूरिया तो पहले मोल्स निकालो. मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा 30 बाय 60 तो दैट्स नथिंग बट 1/2 और मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे. मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे आई थिंक 45 बाय 18 तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 15/6 मतलब 5/2. तो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 5/2 और तो दैट्स नथिंग बट हो जाएगा 1/2 प्लस 6/2 तो टोटल कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 आंसर आएगा ठीक है. तो मोल्स ऑफ वाटर आपके लिए कितना हो जाएगा 1 - 1/6 तो दैट्स नथिंग बट 5/6 ये क्या आंसर आएगा 5/6. तो ये सब बेसिक चीजें मैंने आपको पहले भी क्लास में करवा चुकी बट स्टिल मैं एक मान के चल रहा हूं कि आप रिवीजन के तौर पे ये सब कर लो ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चों ठीक है इसी के ऊपर. क्वेश्चन और करते हैं. एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू 28% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यूएच इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इफ Density of solution is 1.25 gram per ml. 1.25 gram per ml. Calculate mole fraction of KOH. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन बोला है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी और थर्ड क्वेश्चन बोला है आपसे मोलैरिटी. क्या बोला है मोलैरिटी ठीक है. नाउ देखो इन माय ओपिनियन क्वेश्चन आप हमेशा वीडियो पॉज करके फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है आपको फील करना कि वाली क्लासरूम. तो हमेशा जब मैं क्वेश्चन मेरा खत्म हो वीडियो पॉज करिए उसे अटेम्प्ट करिए नहीं आता है फिर आप सॉल्यूशन देखिए बट पहले 5 मिनट एटलीस्ट हर क्वेश्चन में दीजिए ठीक है. नाउ एक्वस सॉल्यूशन ठीक है मोल फ्रैक्शन डेंसिटी दिया हुआ है ठीक है. लेट्स डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ अब सिंपल सा है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी तो दैट्स नथिंग बट कितना 28 दिया हुआ है इंटू डेंसिटी 1.25. अब देखो जनरली एक शॉर्ट टेक्निक 1.25 को मैं क्या कर सकता हूँ 5/4 लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में. 5/4 मतलब ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 35% ठीक है. नाउ मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं लेट्स से तो 28% डब्ल्यू तो मोल्स ऑफ केओएच कितना कितना हो जाएगा. चलो एक मिनट देखिए 28% केओएच का मतलब क्या हुआ परसेंटेज बाय मास कि 28 ग्राम तो क्या दिया हुआ आपको केओएच दिया हुआ और 72 ग्राम क्या दिया आपको वाटर दिया हुआ ठीक है. तो इसके मोल्स की बात करो मोल्स ऑफ केओएच कितना हो जाएगा 28/56 तो दैट्स नथिंग बट 1/2 और मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 72/18 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो ये 0.5 मान लो चलो ठीक है. तो अगर इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ केओएच की बात करो तो ये कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5 4 + 0.5 तो दैट्स नथिंग बट क्या वेरी गुड 1/9 ये नहीं दिया था चलो इसका भी पूछ लेता मोल सब सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा तो 10^(1 - 1/9) तो 10^(8/9) आई होप सो यहां तक चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी ठीक है. मोलैरिटी की बात कर रहा तो मोलैरिटी बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ वेरी गुड कितना रहा मोल्स मेरा कितना 0.5 है वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ है वॉल्यूम उसने दिया हुआ है क्या
वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, लेकिन उसने क्या दिया हुआ मुझे, उसने मुझे दिया हुआ मास ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन बोलिए? 100 ग्राम। 20% KOH का मतलब सिंपल है 28 ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वॉल्यूम होगा 100 डिवाइडेड बाय 1.25 का मैं क्या लिख सकता हूं 5/4, तो 5 ऊपर 4 नीचे, तो दैट्स समथिंग अबाउट 20, तो दैट्स समथिंग अबाउट 80 ml। ये क्या हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। नाउ व्हाट इज ठीक है, मोलैरिटी आपकी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 80 ऊपर 1000, क्योंकि ml में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस कैंसिल, तो 50/8, तो दैट्स समथिंग बट 25/4 आपकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। तो यहां तक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां तक अपना मोलैरिटी पे क्वेश्चन तो क्या हो चुका बेटा, खत्म हो चुका है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं मोलैरिटी के, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है इस कंसंट्रेशन टर्म का, वो भी खत्म करते हैं। हो सकता है आपको पहला लेक्चर में भी आपको लग रहा है, क्योंकि आप पढ़े हुए हो तो आपको हो सकता है मे बी लिटिल बिट बोरिंग होगा, बट बिलीव मी कल का टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगा आपको ये टॉपिक सिखाने की कि मोल फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से, सॉरी मोल फ्रैक्शन है वेपर प्रेशर। देखो पूरा सॉल्यूशन का जो खेल है ना, वो एक ही चीज पर डिपेंड करता है, दैट्स नथिंग बट वेपर प्रेशर। अगर किसी बच्चे का वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत जबरदस्त है, मतलब उसके वो टॉपिक बहुत कमांडेड है, तो आई बेट यू वो सॉल्यूशन आपको कोई भी क्वेश्चन दे, एडवांस का, गेम्स का, व्हाटएवर क्वेश्चन आपको जो भी मिले, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। आई होप सो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? नाउ तो प्लीज प्लीज हम, इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि बहुत अच्छे से इनको करें, वेपर प्रेशर का जब भी कॉन्सेप्ट चालू होगा उसको बहुत अच्छे से सीखें। हालांकि मेरे 11 के बच्चों को मैंने, आपको जब आप 11 में थे तो वेपर प्रेशर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको गैसेस स्टेट में सिखाए थे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, खैर फिर से आज हम फिर से रिवाइज करेंगे इन चीजों को, ठीक है? प्लीज हर बच्चे से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये हर बार क्वेश्चन पॉज करके ही चालू करें, ठीक है? एक मिनट जस्ट, ठीक है? नाउ अगेन हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। मोलैलिटी का मतलब क्या होगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ moles of solute, smalls of solute present per kg of solvent। याद रखना बेटा, एकमात्र टर्म मोलैलिटी ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन नहीं आता है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है? तो मोलैलिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, moles of solute, moles of सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मोलैलिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, क्योंकि मुझे केजी से कोई काम नहीं है, मुझे काम किस में रहता है, जनरली ग्राम में। तो ये मेरा मोलैलिटी का क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स से छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं। लेट्स से मैंने आपको दिया हुआ मोलैलिटी 1.2, मोलैलिटी कितनी दी है 1.2, और डेंसिटी मैंने आपको दे दिया है लेट्स से 1.25 ग्राम पर ml, और दोनों चीजें मैंने यूरिया के लिए दिया हुआ। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, और आपको कैलकुलेट सपोज करो मोलैरिटी मैंने दे दी, क्या दे दिया मोलैरिटी, तो आपका काम क्या होगा, कुछ नहीं काम होगा, डब्ल्यू है, ठीक है? लेट्स से आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। हाँ, तो पहले समझो कि मोलल का मतलब क्या होता है, इस मोलैरिटी का टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि भैया 100,000 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 1000 ग्राम
सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है यूरिया, 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया। तो सॉल्वेंट का वेट तो आपको पता है 1000 ग्राम है, तो कुछ नहीं, वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, वेट ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लो तो 1.2 into 60, तो दिस और दिस कैंसिल, तो दैट्स द नंबर 72, तो दैट्स द नंबर व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 प्लस 72, तो दैट्स द नंबर 1072। अब ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि आपको मोलैरिटी निकालने के लिए आपको देखो हमेशा क्या याद रखो बेटा, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक डेफिनेशन हमेशा याद रखो, ठीक है। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको मोल्स चाहिए पता है, दूसरा क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए। क्या वॉल्यूम आपको दिया हुआ बेटा, नहीं दिया, लेकिन उसने एक टर्म क्या दिया हुआ, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दिया। अब खुद से आपको सोचना पड़ेगा आखिर मैं कैसे कैसे इन चीजों को रिलेट कर सकता हूँ। क्या मोलैरिटी का मतलब मैंने आपको हमेशा नहीं समझाया कि मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, अरे भैया कितना भी दे, मोल 5 मोलल दे, 10 मोलल दे, 100 मोलल दे, रहेगा कितना सॉल्वेंट का वेट, 1 केजी, ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं इसको। इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है, कितने में प्रेजेंट, उसमें कितने प्रेजेंट दिए, 1.2 मोल यूरिया। अब मोल यूरिया मतलब यही सो सॉल्यूट हुआ आपका, तो यहां से मैंने वेट ऑफ यूरिया निकाल दिया, दोनों के ऐड किया था, मास ऑफ सॉल्यूशन आया मेरा, मास ऑफ सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1072 डिवाइडेड बाय 1.25, तो दैट्स नथिंग बट ये मेरा जो आंसर आता है, एक जस्ट मिनट, 1072 डिवाइडेड बाय 1.25, तो दैट्स द नंबर 857.6 ml मेरा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब दोनों चीज कैलकुलेट कर दो, परसेंटेज W बाय W क्या होगा, जल्दी बोलो, परसेंटेज W बाय W हो जाएगा मेरा 72 डिवाइडेड बाय 1072 इनटू 100, तो ये जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लेना, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। एंड मोलैरिटी आपके क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगी आपके 1.2 मोल से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 857.6 इनटू 1000 क्योंकि एमएम में है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 अपने आप में चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा। तो ये मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है समझ बात, ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, स्पेशल फॉर्मूला ये आपको याद रखने हैं, समझ में आया, ये आपको क्या करना है, याद रखने हैं। तो चलो पहला है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड मोलैरिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड मोलैरिटी, तो कुछ नहीं मोलैरिटी बराबर क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जेई मेंस से नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैरिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। नेक्स्ट थिंग आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एंड मोलैरिटी, ठीक है। तो कुछ नहीं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें कोई वो दो राय की बात नहीं है, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया मेरा, ठीक है। नाउ थर्ड वन जो हमारा आता है, थर्ड वन जो आता है, एक जस्ट मिनट, ठीक है। नाउ रिलेशन, सॉरी आज पता क्या मिस्टेक हो रही है, मुझे रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एम कैपिटल एम एंड डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एम कैपिटल एम एंड डेंसिटी। नाउ तो स्मॉल एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एम को लिख सकता हूँ 1000 इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये अपने आप में क्या है बेटा, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है जिनको ये, बट कभी भी अब आप बोलोगे सर आप ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते, आप उसे देख सकते थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हमेशा बेस मोलैरिटी मोलैरिटी को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा बेसिक चीजों पे जाया करो, बेसिक डेफिनेशन से, तो ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ अभी इसके ऊपर, रिलेशन
और फिर से गलती हो गई। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना, इस फॉर्मूले में सॉल्यूट का मोलर मास आपको नहीं लेना, इस फॉर्मूले में आपको सॉल्वेंट का मोलर मास लेना है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेरे नजरिए में, तो आपको ये मतलब क्या है याद ही रखने चाहिए, ताकि आपके बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन तो कभी कभी इन फॉर्मूले से इजिली बन जाते हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर हम अपना एंड ऑफ द सेशन करते हैं आज के लिए। तो याद चीज आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। सेकंड क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इन बेंजीन इज 0.2 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल देन कैलकुलेट फर्स्ट इज योर मोलैरिटी, सेकंड आपका हो जाएगा मोलैलिटी, थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा परसेंटेज W/W, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका आई थिंक है परसेंटेज W/V। चलो एक मैंने टर्मिनोलॉजी दी आपको मोल फ्रैक्शन, और मैंने आपको सब कैलकुलेट करने दे दिया, सोचिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, खत्म बात। पहले मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूं फॉर्मूले से, वेरी गुड। मोलैलिटी निकालने के लिए 0.2 दिया हुआ है सॉल्यूट का इन बेंजीन, अगर बेंजीन में आयोडीन जो है वो मेरे 0.2 है, तो क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, टोटल सॉल्यूशन का मोल 1 होता है, तो फ्रैक्शन में डिवाइड करना सॉल्यूट का अगर 0.2 है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली कितना होगा 0.8 होगा, वेरी गुड, इनटू 1000 अपॉन किसका लोगे मोलर मास, जल्दी बोलो, बेंजीन या आयोडीन, बेंजीन, तो देयर इज समथिंग बट 78, दिस और दिस कैंसिल, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 250/78, तो दैट इज योर नथिंग बट मोलैलिटी। ठीक है, नाउ यहां पे चीज आपको समझ में आए, 250/78 अगेन खैर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मोलैलिटी आपको दिया हुआ 250/78 और 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मोलैलिटी आपको निकालनी है 1000 इनटू डेंसिटी 1.2 माइनस m इनटू कितना हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मेरा मोलर मास हो जाएगा 257। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो सिंपल मेथड ये है, या तो आप एक और तरीका ये कर सकते हो कि आप ऐसा कर सकते हो कि 250/78 इसका मतलब ये कि इतना मोल्स ऑफ I2 प्रेजेंट है कितने में, 1 kg ऑफ बेंजीन में, 1 kg ऑफ बेंजीन में। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए, करने में तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, इसको थोड़ा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, आप बोलेगा तो मैं कैलकुलेट करके दे सकता हूँ, बट इसको थोड़ा कैलकुलेटर यूज होगा, आप प्लीज इसको ट्राई करिए, प्लीज टेल मी द आंसर। ठीक है, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होंगी मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चल गया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता चल गया और मास ऑफ द सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका जो होगा मोलर, इसका जो मोल्स होंगे इसके मोलर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना परसेंट है 1 kg 1000 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, डेंसिटी से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन को जिससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां से मोलैलिटी में निकाल सकता हूं, ऐसा भी निकाल सकता हूं, और दूसरा यहां से जो परसेंटेज W/V भी आ जएगा, परसेंटेज W/W भी आ सकता है, तो ये चीज आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है बट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहां तक मैं आई होप आज का सेशन हम एंड अप करते हैं,
ठीक है, आप आज के लिए आपको थोड़ा एंजॉयमेंट हुआ, तो प्लीज 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 इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज आप व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करोगे, इट्स योर होमवर्क मान के चलो, ये मैं इतना यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपको होमवर्क आप कैलकुलेट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने करते, कल का सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का सेशन जिसको नहीं समझ में आया सॉल्यूशन उसका डूब चुका है, क्योंकि कल मैं वेपर प्रेशर पढ़ाने वाला हूँ, वेपर प्रेशर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर थ्रू आउट टॉपिक, वेपर प्रेशर कमांड में आगे मतलब सॉल्यूशन आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना सेशन आज यहीं पे डिस्कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू।